फिर ये तबाही पर पहुंच गई है और आज पहली बाढ़ आई है। पहली बाढ़ ने आप देख रहे हैं ये 300-400 गज एरिया जो है और चौड़ाई में तकरीबन 100 गज तबाह करके रख दिया। तो एक हल्की सी बारिश से और हल्की सी बाढ़ से ये इतना एरिया नदी खा गई है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर जब आगे बरसात तो सारी अभी बाकी है और ये पूरी बरसात में कितनी ज़्यादा तबाही होगी। और उस वक़्त फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ हजारों एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक डीसी तक और कमिश्नर तक भी यहाँ फ़ोटो खिंचवाने आ जाएंगे और ये फ़ोटो खींच खींच के दिल्ली भेजेंगे कि हमारे इलाके की बहुत तबाही हो गई है, यहाँ पैसा दे दो। और यहाँ पैसा लगाया नहीं जाता है, अगर आप पैसा लगाया होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। और हमारे जितने भी नौजवान बेरोजगार थे वो सारे एक खेती पे मुनसर थे और वो सारे के सारे ना तो ट्रैक्टरों की किस्तें दे रहे हैं और ना ही इन्होंने जितने लोन लिए थे वो दे पा रहे हैं। बैंकों वाले तंग कर रहे हैं, खेती तबाह हो गई है, पंप सेट बह गए हैं, पंप सेट रूम, इनके फार्म हाउस, पेड़ पौधे, पशु, इतनी भारी हमारे इलाके की तबाही हुई। और 2013 में हमारा एक बच्चा भी बह गया था, उसकी डेथ हो गई थी, इतनी भारी तबाही हुई है। फिर भी और हमारी बीएसएफ की 4-5 पोस्टें जो है हमेशा घेरे के अंदर आ जाती हैं और इन्हें जान का खतरा पड़ा रहता है और पूरा इलाके की जो है फेंसिंग डैमेज हो जाती है और यहाँ सिक्योरिटी का भी खतरा हो जाता है। और इस और आज दिन तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हम लोग इतने सालों से भटक रहे हैं और दौड़ रहे हैं। गवर्नर साहब को भी पता होगा कि हम कितनी बार गवर्नर साहब के भी पास गए हैं रिक्वेस्ट करके। तो ये जो हमने पैसे लाए थे और जब पैसे इनको अप्रूवल मिल गई और इन्होंने अपने ये बना लिए कि ये हमारे ही पैसे हैं और हम अपने तरीके से ये किधर किधर लगाएं और कितने कहाँ कहाँ पैसे हमें बच सकते हैं और किस तरीके से यूटिलाइज करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और मैंने अपने कानों से सुना है कि ये जो हमारा एक्शन है डी, ये खुद ठेकेदार को बोल रहा है कि अभी काम मत करना। एक तो उसको टाइम दिया हुआ, पीरियड दिया हुआ, 1 महीने के अंदर काम खत्म करेगा और दूसरा एक्शन खुद कह रहा है उसको कि काम मत करना, बरसात में ये आपका नुकसान हो जाएगा, ये बरसात के बाद करना है। बरसात के बाद बताओ कि बरसात के बाद क्या करेंगे जब ये गांव बह के पाकिस्तान चले जाएंगे, लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और जितनी जानें गवा जाएंगे वो वापस आ जाएंगी। तो ये कितनी शर्म की बात है, जिस अफसर ने दिन रात एक करके ये काम करवाना